नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं क्राइम रिपोर्टर धर्म सिंह ब्रजवासी की खास रिपोर्ट। चीत गौशाला का किया घेराव विवेक सिकरवार, गणेश सिकरवार, योगेंद्र सिकरवार, सीपी सिकरवार, सुमित राजावत आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। खेरागढ़ थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम करवा के कार्रवाई की जाएगी। आगरा जिले के दूसरी सबसे बड़ी चीत गौशाला में गायों का मौत का खेल जारी। गाय को कुत्ते खाते हैं नोच नोच कर, लेकिन प्रशासन बैठा है चुप्पी साधे। गाँव के ग्रामीणों ने की कई बार शिकायत, लेकिन कोई नहीं हुई सुनवाई। आज करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया गौशाला का घेराव। मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल, आगरा मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भूख के कारण उनकी मौत हो गई। यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं आप मौके पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिल रही है। दलदल हो रखा है, गायों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मौके पर जैसे हम लोग आए तो ये लोग कहते हैं कि साहब इसको एक NGO चला रहा है इस गौशाला को, और उस NGO की तरफ से इनको 30 रुपये पर डे के हिसाब से प्रत्येक गाय के लिए मिल रहे हैं। मौके पे आप देखिए अब तक जो है इससे जो है 1000 से 1200 गाय अब तक मौत के घाट उतर चुकी हैं। क्या गौ सेवा के नाम पर गौ हत्या का काम किया जा रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ साथियों, क्या इस प्रकार की गौ हत्या आपके यहाँ होती रहेगी? प्रदेश के अंदर, देश के अंदर गौ सेवकों की सरकार होते हुए भी और यहाँ पे गौ हत्या होने का काम होता रहेगा? बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं है। चारे के अभाव में यहाँ गाय मर रही हैं। मेरी इस आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप देखिए एक बार इस तरफ देखिए, ये से भी चल रही है और लगातार जो है गायों को ये ले जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से जो है स्थिति जो है ख़राब है।